जी दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉय कार केयर वाराणसी में। आज देखिए चर्चा हम करने जा रहे हैं हाई रिस्क ऑडियो पर। अक्सर आपने देखा होगा मेरे चैनल पे कि हाई रिस्क ऑडियो स्पीकर आजकल मेरे चैनल पे काफी लगते हैं कारों में, तो मेरे पास काफी इंक्वायरी आ रही थी कि ये हाई रिस्क ऑडियो होता क्या है, तो आज उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। बेसिकली अगर टेक्निकली वर्ड में हम बात करें तो हाई रिस्क ऑडियो स्टार्ट होता है 192 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के साथ, या आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे आपका जो सीडी और एमपी3 क्वालिटी आती है उससे काफी हाई क्वालिटी का हाई रिज ऑडियो होता है। ज्यादा टेक्निकली मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूं अपने फॉलोवर्स को या सब्सक्राइबर्स को कि हाई रिज ऑडियो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर कोई गाना सुन रहे हैं तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए गिटार यूज है या सितार यूज है या जहां ढोलक की आवाज है, वो आपको सेपरेट अलग अलग सारी चीज समझ में आती है कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, वो मिक्स नहीं होता है, तो वो क्वालिटी एक अलग लेवल की आती है। और आज की डेट में कई जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप है जैसे कि Amazon हो गया, YouTube म्यूजिक हो गया या Apple म्यूजिक हो गया, ये हाई रिस्क ऑडियो स्ट्रीम कर रहे हैं। लेकिन आप चूकते कहां पे हैं, ये स्ट्रीम तो कर रहे हैं हाई रिस्क ऑडियो लेकिन आप सुनेंगे कैसे, उसके लिए आपके पास हाई रिस्क ऑडियो के स्पीकर होने चाहिए। अगर आप घर में सुन रहे हैं इन ऐप के थ्रू मोबाइल से तो हाई रिस्क ऑडियो के आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं, और घर में सुन रहे हैं तो हाई रिज ऑडियो के स्पीकर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कार फ्रीट्स की। अगर आप कार में यूज करना चाहते हैं हाई रिज ऑडियो तो उसके लिए कार ऑडियो सिस्टम जो हाई रिज ऑडियो इनेबल्ड है वो हम आपके सामने आज लेके आए हैं कि उसके बढ़िया बेटर ऑप्शन आपके पास क्या क्या अवेलेबल है वो मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कई ब्रांड के स्पीकर्स लगे हुए हैं और जी हाँ ये सारे हाई रिज ऑडियो इनेबल्ड है। आप देख सकते हैं हाई रिज ऑडियो को ये सपोर्ट करते हैं। हाई रिज ऑडियो हो गया, हाई रिज ऑडियो एल्पाइन की S2 सीरीज है, कापा की इन्फिनिटी की कापा हो गई आपकी, और एल्पाइन R2 सीरीज हो गई, और इधर अगर JBL की बात करें तो JBL की स्टेडियम सीरीज हो गई। तो मार्केट में जितने बिग प्लेयर हैं, जितनी बिग ब्रांड है, उनके जो हाई रिज ऑडियो की जो जो ऑप्शन अवेलेबल है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और एक क्विक कंपेरिजन करूंगा फटाफट ये क्या इसकी MRP है और क्या ये आपको कॉस्ट करेगा और कितने RMS पे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अगर हम इस पे आते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी Alpine की R2 सीरीज से। बहुत ही जबरदस्त स्पीकर आप देख सकते हैं, 100 RMS पे काम करता है। इसकी खासियत क्या है कि ये देख सकते हैं ये इसका कोएक्सल और ये कंपोनेंट है। कोएक्सल कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है मैंने पहले वीडियो में बता चुका, फटाफट एक शॉर्ट में आपको बताता हूं। कंपोनेंट के साथ अलग से क्रॉसओवर आता है, ट्यूटर अलग से आता है, थोड़ा बेस क्वालिटी अच्छी होती है। लगाते हैं हम लोग कैसे हैं कि अगर किसी भी गाड़ी में लगाना है तो कंपोनेंट उस सीरीज का आगे लगता है और कोएक्सल पीछे लगता है, तो एक डिजिटल साउंड आती है। तो ये हो गया इसके कंपोनेंट। कंपोनेंट भी इसके 100 RMS पे काम कर रहे हैं और पीक पावर 300 है, और कोएक्सल भी इसका 100 RMS पे काम कर रहा है, पीक पावर 300 है। आइए अगर हम MRP की इस पे बात करें, 21,499 है, यानी कि 21,500 है। और बेस्ट प्राइस के लिए आप कहां मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे या कमेंट करिए, मैं जरूर बताऊंगा कि इस पे कितना डिस्काउंट होगा, और अच्छा खासा डिस्काउंट होगा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस दिया जाएगा आपको। और अगर कंपोनेंट की बात करें तो 30,899 यानी कि 30,899 की इसकी कंपोनेंट की MRP है। तो ये 30,899 कंपोनेंट की होगी और 21,499 आपकी कोएक्सल की होगी। उसके बाद अगर कापा की हम बात करें तो कापा यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें R2 सीरीज से तो इसका कोएक्सल जो है वो 85 RMS पे काम करता है, और जहां जबकि ये 100 RMS पे काम करता है, तो इसका RMS पावर जाहिर सी बात आप देख रहे हैं कि Alpine का ज्यादा R2 सीरीज का। और अगर हम कंपेयर करें इसकी MRP तो इसकी MRP भी 23,999 है। तो मोर और लेस MRP सेम ही है कोएक्सल की। अगर कंपोनेंट की हम बात करें तो कंपोनेंट 110 पे काम करता है, वहीं आपका कंपोनेंट R2 सीरीज का 100 पे काम करता है। तो कंपोनेंट में ये ऊपर चला जाता है कापा, और कोएक्सल में Alpine ने बढ़त बनाई हुई है। और अगर हम इसके MRP की बात करें ये 38,990, और बेस्ट प्राइस आप जानते हैं कि रॉयल कार केयर में आपको मिलेगा डिस्काउंट, इस पे काफी अच्छा होगा, मोर और लेस MRP दोनों की सेम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिड रेंज में हाई रिज ऑडियो की, तो ये सबसे मेरा फेवरेट स्पीकर है और सबसे मुझे ये बढ़िया लगता है अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछेंगे, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो काफी मिड रेंज है और क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर है। तो इसकी भी हम बात करते हैं, पहले देख सकते हैं 80 RMS पे काम करते हैं इसके कंपोनेंट और कोएक्सल। और अगर हम MRP की बात करें
तो एमआरपी मात्र है 12,499 को एक्सेल की, और अगर कंपोनेंट की बात करें 16,499। तो देख सकते हैं एमआरपी कितनी कम्पिटिटिव है इसकी, और इसके बाद इसमें डिस्काउंट भी अच्छा खासा है। तो मेरे हिसाब से अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछेंगे आप, तो बेस्ट प्राइस वैल्यू फॉर मनी जो जिसे हम बोल सकते हैं, वो एल्पाइन की S2 सीरीज है। इस रेट में मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी आपको हाई रिज ऑडियो स्पीकर नहीं दे रही जो हाई रिज ऑडियो सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर हम JBL पे आते हैं तो JBL भी दे सकते हैं, 110 वॉट RMS है, और JBL की ये हो गई आपकी स्टेडियम सीरीज हो गई। और इसकी अगर MRP की हम बात करते हैं तो MRP आपका 28,490 है। इसका भी MRP काफी कम्पिटिटिव है, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत ये है कि इसका कोएक्सल नहीं आता है, तो कोएक्सल के लिए हमें JBL की दूसरी सीरीज की तरफ रुक करना पड़ता है। तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था कि हाई रिज ऑडियो के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, और मोस्ट ऑफ जितने भी आप स्पीकर देख रहे हैं उनके साथ एक एम्पलीफायर भी जरूर अटैच करना पड़ता है। उसके बारे में एम्पलीफायर की जो रेंज है और जो क्वालिटी और सारी वैरायटी मैं अगले वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, बने रहिएगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस।